माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेर, प्राइम टुडे न्यूज़। कल गोविंद ऑफेंडर जो चेन स्नैचर है, उसको हमारे यादया कांस्टेबल, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन का यादया कांस्टेबल ड्यूटी में, जब ये जो ऑफेंडर थे स्नैचिंग का अटेम्प्ट कर रहे थे, तो लाइव वालों को पकड़े स्नैचिंग अटेम्प्ट करते हुए। ये गोविंद है इसका नाम, इसके और तीन साथी है, और इसके तीन साथी है गोविंद के अलावा हरबीर, हरप्रीत और संजय। ये चार लोगों को, मतलब चार लोगों में से एक को पकड़ा गया है, जिसमें एक और भाग गया, संजय नाम का ऑफेंडर। इसके अलावा और दो लोग शायद यूपी में हो, ये चारों को भी, तीनों को इसके अलावा भी अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसको कहाँ से पकड़ा? ये ऑफेंस, ये राजेंद्र नगर में जो ऑफेंस हुआ था रिसेंटली, इसमें अरेस्ट किया गया। कितने ऑफेंसेस में? ये पूरे 27 ऑफेंसेस कराए अभी तक, उसमें 17 राजेंद्र नगर और शमशाबाद डिवीजन के, उसमें 10 हैदराबाद सिटी के ऑफेंसेस हैं। इससे पहले भी कहीं कभी जेल को गया था? इसके ऊपर एक वारंट है यूपी में। ये पूरे पुराने ऑफेंडर्स हैं मेरे ख्याल से, अपने पास 4 महीने से ये लोग यूपी से आके अगर ऑफेंसेस कर रहे हैं। हैदराबाद में फर्स्ट टाइम बैठा? हैदराबाद या फर्स्ट टाइम या मेरे ख्याल से इधर तेलंगाना में फर्स्ट टाइम ये लोग अरेस्ट हुए। ये लोग का कितने लोगों का गैंग है सर जो यूपी से आए? अपने को इसके इंटरोगेशन में पता चला कि ये लोग चार लोग हैं, इसके अलावा तीन और हैं, गोविंद के अलावा तीन और हैं, जिसके नाम है हरप्रीत, हरबीर और संजय। चारों भी यूपी के? सब शामली जिले, यूपी स्टेट के। कितना रिकवर, कितना है सर गोल्ड वर्थ? ये पूरे 9 चेन रिकवर हुए इसमें, पूरे 9 पूरा 28 तोला गोल्ड रिकवर हुआ। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।